हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपसे चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी जो है और अजमेर जो सीनियर लेक्चरर का एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रही है। तो हम बात करेंगे आज सिलेबस की, हमें क्या पढ़ना है, किन बुक का सहारा लेना है, कौन सी बुक को नहीं पढ़ना है, कैसे हम थोड़े समय में अपने एरिया को कवर कर सकते हैं, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे कई मित्रों ने कहा है कि शायद एग्जाम होने वाला है या आने वाला हो, जो भी है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर सिलेबस की जानकारी दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, इसमें दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका जर्नल पेपर होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और आपका जीके जीएस जो भी है सब पूछा जाएगा। तो जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल स्टडीज की बात कर रहा है, यानी जीएस और जीके की बात कर रहा है। जर्नल अवेयरनेस जो आप समझते हैं कि क्या, कौन सी घटना कब हुई, कैसे हुई, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडिया हिस्ट्री विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो पहले तो आपको राजस्थान के बारे में जानना है, क्योंकि राजस्थान के जो लोग हैं तो वो राजस्थान जो पर्सनल बुक आती है राजस्थान की जीएस की, तो वो जरूर खरीदें और थोड़ा सा अपना देख लें राजस्थान में नृत्य कौन सा होता है, राजस्थान की बोलचाल की भाषा क्या है, वहाँ प्रसिद्ध कौन कौन से सेंचुरीज हैं, क्या है, कौन कौन से अच्छे दार्शनिक हैं, स्थल हैं, ये तो सब आपको देखना है। और डेवलपमेंट आर्ट एंड साइंस लेक्चर ड्यूरिंग, देखिए मौर्यकालीन गुप्तकालीन पीरियड में जो लिटरेचर का विकास हुआ, आर्ट का विकास हुआ, इस समय कौन कौन सी कलाएं थी, ये सब आपको पढ़ना है। एंशियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ना है और ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, तो ब्रिटिश जो पीरियड का मतलब जो अंग्रेज थे उनके समय कौन कौन से डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन में, कौन कौन सी ग्रोथ हुई। 1857 की क्रांति पढ़नी है, नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और वीडी सवारकर और बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, इनके सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है और वही बिंदु पढ़ने हैं जो आपके लिए अच्छे हों। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इन्होंने उसमें भाग लिया नेशनल मूवमेंट में। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 राजस्थान पढ़ना है, राजस्थान का उस समय योगदान, कौन कौन से मूवमेंट वहां हुए 1857, तो ये राजस्थान जरूर देखेगा। और लेबर मूवमेंट कौन हुए और ये जो राजस्थान के महापुरुष हैं उनके बारे में जानना है। और भक्ति मूवमेंट, कल्चरल सिंथेसिस, ये पढ़ना है। लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है, चूंकि महाराणा प्रताप वहां की गौरव गाथा है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो आप सब जानते हैं, ये तो आप नॉर्मली आप जो रीजनिंग जानते हैं उसमें ये रीजनिंग है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इनके वीडियो यूट्यूब पर ढेर सारे बने हैं, बहुत लोगों ने बनाया है, तो आप इनको केवल जैसे आप ऐसे न मत देखिएगा, जैसे उन्होंने डाला हुआ है अर्थमेटिकल रीजनिंग, तो इतना अर्थमेटिकल रीजनिंग डाल के यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो केवल वही पर्टिकुलर रीजनिंग बताएंगे। तो आप ऐसे ऐसे रीजनिंग डाल देंगे तो पता लगा सिलेबस। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो जो इसमें हेडिंग दी है, बाय द वे मान लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन दिया है या भक्ति काल में डेवलपमेंट ऑफ, तो बस वही डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन भक्ति काल पढ़ना है। आप क्या करते हैं आगे भक्ति काल के अलावा अन्य कालों का भी सब पढ़ जाते हैं और वो इतना ज्यादा मटेरियल हो जाता है कि आप परेशान होते हैं। मैं केवल सिलेबस में अंडरलाइन करना है कि हमें ये देखना है, जैसे एनालॉजी सीरीज जो दिया हुआ है, कंप्लीशन दिया हुआ है, तो केवल सीरीज कंप्लीशन ही पढ़ना है, केवल आप इतना डाल के पढ़ना, बकाया मत पढ़िएगा। तो जितनी हेडिंग है वो डाल डाल के पढ़िएगा। स्टैटिक्स आएगी, सेकेंडरी लेवल की स्टैटिक्स आएगी, तो देख लीजिए ग्राफिकल है, रिप्रेजेंटेटर डाटा मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, ये आएगा। और अगर ये नहीं आ रहा आपको स्टैटिक्स, तो आप परेशान मत होइएगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो बायो के स्टूडेंट हैं अगर स्टैटिक्स नहीं बहुत सॉल्व आ रही है तो एक या दो क्वेश्चन, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय इस पर आप बर्बाद ना करें। आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आती है तो अगर आपको लगता है कि हम एक दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं तो करिएगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है खासकर बायो वालों के लिए। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की आ जाएगी, तो ये तो आपको करना ही है।
नेचुरल और इरेटेशनल नंबर्स और ये जितना भी है आप देख लीजिएगा, ये सब आपको करना है, मंशुरेशन करना है। बात करेंगे हिंदी की तो सामान्य हिंदी में संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, क्रिया सकर्मक कर्मक पढ़ना है। अंग्रेजी की परिभाषाएं, तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द पढ़ने हैं। जनरल इंग्लिश में आपको पढ़ना है वॉइस, नरेशन और यूज आर्टिकल, ये सब आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स के लिए तो हम आपको बता दें कि आप डेली वीडियो देखिएगा, करंट अफेयर्स के ढेर सारे लोग जर्नल के वीडियो डालते हैं डेली, तो वो आपको पूरा देखना है करंट अफेयर्स। जर्नल साइंस पढ़नी है तो जर्नल साइंस में तो आपको बहुत कुछ पढ़ना रहेगा, एटम्स, मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन है, कार्बन एंड कंपाउंड्स हैं, फोर्स लॉ, मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, ये सब पढ़ना है आपको तो देख लीजिएगा। और ये चूंकि जो बायो का पोर्शन है तो वो जैसे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये तो आपका जो बायोलॉजी वाले हैं तो इसको तो आप बिना पढ़े कंप्लीट कर सकते हैं। और टिश्यूज, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो ये आपको यहाँ आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है, फिर ये सब्जेक्ट में आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो अगर आप एमएससी किए हुए हैं तो ये क्वेश्चन नॉर्मली हल हो जाएंगे। इतना लंबा जीएस का पोर्शन जो बायो का इतना टफ नहीं आएगा, बिल्कुल लाइटली आएगा, जो कर लेंगे। बकाया आपको ये पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो दिया है। इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, ये आप देख लीजिएगा। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान पढ़ना है। एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल सिनेरियो, राजस्थान राइट अप टू एजुकेशन एक्ट, तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको थोड़ा शॉर्ट में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक एक ना क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आपका दिया हुआ है कितना, जो ये अब दिया हुआ मोमेंट 15 नंबर का आएगा, टोटल मार्क्स 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। मेंटल एबिलिटी मैथ में 20 नंबर आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। करंट अफेयर 10 का आएगा, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, राजस्थान 15 क्वेश्चंस होंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, ये जो आएगा ये 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 30-30 के होंगे, 175 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ आंसर, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 आप टू मार्क, बहुत ज्यादा है 1/3, 1/4 होती चलती भी, तो आप थोड़ा सा वही क्वेश्चन करिएगा जो आपको आ रहा है, आप तुक्का ज्यादा न लगाइएगा। प्रेस्क्राइब दैट द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, एक्सप्लेन रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर मल्टीपल आंसर, 3 ड्यूरेशन ऑफ द पेपर शैल बी 1 hour 30 minutes, 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका। तो ये आपका था और ये आपसे पूछे जाएंगे, तो पहला पेपर तो हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की, अपने सब्जेक्ट की। तो ये जो है इसका जो आपका राजस्थान स्पेशल, उसको पढ़िएगा, और जो डेली का करंट अफेयर वो पढ़िएगा, बकाया मूवमेंट्स वगैरह आप लूसन वगैरह से पढ़ सकते हैं, या अन्य कोई दृष्टि वगैरह की बुकें आती हैं उससे भी पढ़ सकते हैं आप। तो अब हम देखते हैं अपना सब्जेक्ट, तो हम बात करते हैं, ये हमारा सेकेंड पेपर का सिलेबस है बायोलॉजी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाना है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सेकेंडरी लेवल, जो इंटर लेवल का इसमें पूछा जाना है, टैक्सोनॉमी इंटर लेवल की होगी। तो ये एमपी कौशिक की बुक आती है यूपी में, जो एमपी कौशिक की है, मुझे तो यूपी का मालूम है, एमपी का जो आपकी बुक, सॉरी जो राजस्थान में आपकी बुक चलती हो इंटर की, टेक्स्ट बुक अच्छे राइटर की ध्यान रखिएगा। एक तो वो आती है गाइडें, आती है गाइड से नहीं पढ़नी, जो अच्छे लेवल की बुक हो इंटर में अच्छे राइटर की। मुझे नहीं मालूम कि आपका यूपी में तो एमपी कौशिक हैं और रमेश गुप्ता हैं, मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता है, तो आप वहाँ की इंटर की किताब जो है उसको रखिएगा। और एक एक लाइन, जैसे डेफिनेशन ऑफ लाइफ पढ़ना है तो केवल यही चैप्टर पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी पढ़ना है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ना है, बायनॉमी एंड नॉर्मल क्लेचर यानी आपको लीनियस पढ़ना है, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, तो ये इसमें सारे टूल्स पढ़ने हैं। इसमें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, और इसमें आपको म्यूजियम पढ़ना है, जू पढ़ने हैं, हर्बेरिया पढ़ना है, हर्बेरिया बनाने का तरीका पढ़ना है, और बोटैनिकल गार्डन्स पढ़ने हैं।
वो चाहे लखनऊ का हो या सीपुर का हो, ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लेनी, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइव किंगडम, व्हाइट एयर का जो क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम पूरा पढ़ना है, उसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, इस तरह के जो भी दिए हुए हैं प्लांटी, तो वो सब पढ़ना है किसमें क्या रखा गया, एक क्वेश्चन आ सकता है। साइलेंट फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मेजर ग्रुप अप टू क्लास तक पढ़ना, ध्यान रखना मेजर ग्रुप और क्लास तक आपको पढ़ना है। लाइफ साइकिल आप एल्गी पढ़नी है, फंजाई पढ़ना है, तो ये पूरा इंटर लेवल का आपको फंजाई पढ़ना है, जितनी फंजाई होंगी, मुझे लगता है यहाँ तो राइजोपस दिया था और फंजाई में साइक्रोमाइसिस दिया था मे बी, तो ये आपको पढ़नी है। ब्रायोफाइट्स पढ़ना है और प्यूनेरिया शायद यहाँ यूपी में है, टेरोडोफाइटा पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, तो इसमें साइका स्पाइनस तो पढ़ ही लीजिएगा, एंजियोस्पर्म पढ़ना है, तो ये आपको इंटर की बुक में बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, वो पढ़ना, या आप अपनी बीएससी बुक से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ यही बिंदु, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल प्लांट्स, तो देखिए हमने आपको वीडियो ब्रायोफाइट्स के भी बना के रखे हैं, टेरोफाइट्स के भी जनरल वीडियो बना के रखे हैं, जिम्नोस्पर्म के भी बना रखे हैं, खासकर साइकस के, तो ये वीडियो जरूर देखेगा। एनिमल टिश्यूज पढ़ना है, टाइप, ओरिजिन, लोकोमोशन, लोकेशन और फंक्शन पढ़ना है एनिमल टिश्यूज का, तो काफी बड़ा आएगा। ओरिजिन पढ़ना है, लोकेशन पढ़ना है एनिमल टिश्यूज के, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट टिश्यूज में एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़नी है, स्टेम, लीव्स और मोनोकॉट और डाइकॉट पढ़ना है, तो काफी मटेरियल है, ऐसा नहीं कि एक लाइन में लिखा है, एक लाइन का मतलब पूरा पूरा चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी, फंक्शन, मॉर्फोलॉजी, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड फ्रूट, फ्रूट से क्वेश्चन आएगा, फ्लावर, तो ये जो आपका टैक्सोनॉमी है उसके पहले ये सब आपको दिया रहेगा। सेल पढ़ना है, सेल फंक्शन, तो हमने तो यहाँ यूकैरियोट प्रोकैरियोट पढ़ा है, बीएससी की जो आपकी बीएससी की बुक हो, मगर टेस्ट बुक हो उससे पढ़ना है, या फिर आप पीएमपी कौशिक ले सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, शर्मा एंड शर्मा की बुक आती है इंटर लेवल की, उसमें भी बड़ा अच्छा दिया है, वो पढ़ सकते हैं, हमारे वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप देखिएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के, वो पढ़ना है। प्लांट एंड एनिमल सेल पढ़ना है और प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर तक। केमिकल कंस्टिट्यूट लिविंग पढ़ना है, बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, बायो मॉलिक्यूल्स में आपको सब कुछ पढ़ना है, डीएनए आरएनए वगैरह सब पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एसिड, ये सब पढ़ना है, और इंजाइम का पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो इंजाइम का वीडियो हमने डाल रखा है, और इंजाइम के वीडियो के साथ साथ हमने वन लाइनर आंसर भी डाल रखे हैं, वो पढ़ना है। सेल साइकिल पढ़ना है, सेल माइटोसिस मियोसिस पढ़ना है, इसके वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा सारे वीडियो उपलब्ध हैं, तो ये बड़ा अच्छा है, इसका पूरा का पूरा सेल साइकिल का वीडियो बड़ा अच्छा पड़ा है, पॉइंट टू पॉइंट पड़ा है, आप इसको देखिएगा बिना बोर हुए, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमने दिए हैं उसमें जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। एंजाइम भी पढ़ा हुआ है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी पढ़ा हुआ है, और मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये सब इसके भी वीडियो लगभग पड़े हुए हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, आप देखेंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में सारा मटेरियल मिलेगा। एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन पढ़ा है, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन आपको पढ़ना है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, डियर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स पढ़ना है, तो ये आप बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब, सेकेंड ईयर की किताब से भी पढ़ सकते हैं, और इंटर की बुक में भी ये बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ। इसके अलावा आप मेडिकल की भी बुक ले सकते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम की आती है, वो चाहे वो पिल्लई हो, आरके पिल्लई जूलॉजी की आती, बहुत उम्दा बुक है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, उसमें ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं और मेन बिंदु दिए हुए हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ये पढ़ना है आपको पूरा, ये कुमार मलिक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसके अलावा आपको एमपी कौशिक और आपकी जो वहाँ की इंटर की बुक हो उसको भी, इसके अलावा आप कंपटीशन की बुक जरूर खरीदिए, मेडिकल की जो बॉटनी की स्पेशल बुक आती होगी आपके राजस्थान में, वो जरूर खरीद के पढ़िएगा। उनमें क्या होता है, जो जर्नली किताबें होती हैं उनमें अच्छा मटेरियल नहीं दिया रहता, उसमें चूंकि लिखने के दस्ते दिया रहता है, मगर उनमें ऑब्जेक्टिव मटेरियल बहुत अच्छा होता है, और या वन लाइनर मटेरियल बिल्कुल सॉलिड होता है, तो उसको जरूर लीजिएगा। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन पढ़ना है, तो ये आपको तो मिल जाएगा,
सारा कुछ ओरिजिन ऑफ लाइफ और है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर और सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग्स और ये सब आप पढ़ना है, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है, ये सब इंटर लेवल की बुक से ही पढ़ना है या तो फिर मेडिकल की बुक से आपको पढ़ना है। मेडिकल एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है उसमें जो आपकी जूलॉजी बॉटनी की अच्छी बुक ऑथेंटिक उससे पढ़ना है। नॉलेज कंसर्न द ग्रेजुएशन लेवल, ये अब बात आती है टैक्सोनॉमी में बात कर रहा है ग्रेजुएशन लेवल का, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर तो ये आपको बीएससी की बुक से पढ़ना है, इकोनॉमिक बॉटनी से ये सारे आपको मिल जाएंगे। जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आपको ये पढ़ना है, तो ये आपको इंटर की बुक में भी मिल जाएगा, जो कंपटीशन की बुक है उसमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जितने भी चारों दिए, चारों पॉइंट्स उपस्थित हैं। और इसके अलावा आपकी जो बीएससी की बुक है उससे आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बीएससी की बुक से पढ़ना है, ये इंटर की बुक में भी ये मिल जाएगा, एमपी कौशिक या जो मेडिकल की बुक है, क्योंकि उनमें ग्रेजुएशन लेवल का भी मैटर दिया रहता है। तो आपको ये पढ़ना है तो इसमें अमीबा, ओबिलिया, टीनिया, स्केरिस और फिर फर्थिमा और पेरीप्लांटा राना रैविट, तो ये आपको मिल जाएगा रमेश गुप्ता की बुक में, या फिर आपको देखना है तो ये बुक आपको मिलेगा कोटपाल त्यागी की बुक। तो अगर कोटपाल त्यागी की बुक मिल जा रस्तोगी पब्लिकेशन की तो उसमें ये आपके काफी कुछ आपको मिलेगा बीएससी की बुक में। तो वहां बीएससी के लेवल देखिए कोटपाल त्यागी की बुक बहुत ऑथेंटिक है, ये लोग पीसीएस में जो एग्जाम देते हैं वो सर, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में ले लीजिएगा, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में ले लीजिएगा। तो कोटपाल त्यागी, देखिए कोटपाल त्यागी की बुक ले लीजिएगा। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्टुला, तो इसमें से जो मेम्ब्रेन इन द चिक, प्लेसेंटा इन द मैमल्स, तो ये प्लेसेंटा मैमल्स पड़ा हुआ है, आप हमारा वीडियो एम्ब्रियोलॉजी के देख लीजिएगा, उसमें एक दो वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बकाया आप कोटपाल त्यागी की बुक का सपोर्ट जरूर लीजिएगा, उसमें ये मटेरियल मिल जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी की जो बुक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी की बुक जो आपको हम बता दें तो सिंह पांडे जैन की आती है रस्तोगी पब्लिकेशन की, प्लांट फिजियोलॉजी उसमें बहुत अच्छा दिया है, और बकाया आपकी इंडर स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें भी ये सब मिल जाएगा। बायोस्टेटिक्स तो आपको बीएससी की बुक में ही मिलेगी तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अब आता है पोस्ट ग्रेजुएट तो टेक्निक ऑफ द बायोलॉजी, तो ये जो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा तो ये बायोटेक्नोलॉजी की बुक में मिलेगा, या टूल एंड टेक्निक्स की बुक आती है जूलॉजी में उसमें मिल जाएगा, ये बॉटनी में भी टूल्स एंड टेक्निक आती है उसमें मिल जाएगा। इसमें से कुछ वीडियो हमारे टूल एंड टेक्निक्स के वीडियो आपके प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, उनको देखना ना भूलिएगा। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोस्कोप हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इथोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, और आपको इसमें पीएस वर्मा की बुक आती है इथोलॉजी की, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। रीना माथुर की बुक आती है उसको भी देख लीजिएगा एनिमल बिहेवियर की, तो उसमें आप देख लीजिएगा, रीना माथुर की बुक आती है एनिमल बिहेवियर की तो उसको पढ़ लीजिएगा। ये तो हमें लगता है रीना माथुर आप ही के इधर की है, राजस्थान की। बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आपको पढ़ना है, तो ये आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है तो ये आपका पीडी शर्मा की बुक आती है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, पीडी शर्मा की जो बुक आती है आप उससे पढ़ सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं ये। और ये आपका तो आप समझते ही ये पढ़ना कैसे है, तो साइकोलॉजी टीचिंग लर्निंग, तो जो लोग हमारे मित्र सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो सब इसको देख लीजिएगा। और ये हमारा मैटर है, तो जो सीनियर सेकेंडरी लेवल में 55 क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखिएगा, और ग्रेजुएशन लेवल के 55 आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के केवल 10 आएंगे, और जो एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागॉजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यूज द कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग, इसके 30 क्वेश्चन टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल एवोल्यूशन द आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब द पर्टिकुलर क्वेश्चन सेल बी डिटेक्टेड, वो 1/3 है, अगर तीन क्वेश्चन गलत करते हैं एक सही होगा तो एक सही जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 घंटे का आपका
ये है पेपर और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो हमने आपको जो बुक बताई आप समझ लीजिए, ये एमपी कौशिक या आपके वहां की जो इंटर की बुक हो और उसको बेसिक पढ़ना है। आप अपनी बीएससी की बुकें जूलॉजी और बॉटनी दोनों की बुकें जो आपकी बीएससी से हैं वो पढ़नी है, अच्छे राइटर के पढ़ने हैं जैसे कोटपाल त्यागी है, सिंह पांडे जूलॉजी में बॉटनी में सिंह पांडे जैन है और बॉटनी में कोटपाल त्यागी की सारी बुकें आती हैं। और एनिमल अगर बिहेवियर की बात करें तो रीना माथुर है, तो आप इनकी बुकें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सरमान शर्मा इंटर की एक बुक आती है। इसके अलावा अगर और आपको अच्छा पढ़ना है तो पिल्लई की बुक आती है आपकी मेडिकल इंट्रेंस की, तो पिल्लई की बुक पढ़ सकते हैं, मुरादाबाद के लेखक हैं हिंदू कॉलेज के, तो इनकी बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें और एक महत्वपूर्ण है कुमार मलिक, बॉटनी कुमार मलिक से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको हमने ये बुक बताई है, आप इनको लीजिएगा और पढ़ना शुरू करिएगा और 4 से 6 घंटे, और उसके अलावा कई सारे वीडियो हमने इस टॉपिक पे डाल रखे हैं वो भी आप देखिएगा, समय समय पर देखते रहिएगा। और वीडियो कब देखना है, चलते फिरते टहलते उठते बैठते जब आप पढ़ ना रहे हों उस समय या किसी काम में लगे हों तो वीडियो देखिए, या आप रिलैक्स करने का मूड है पढ़ने का नहीं तो उस समय वीडियो जरूर देखिए। तो वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, केवीएस एनवीएस सॉल्व पेपर डाल रखे हैं, आपके डिफरेंट टाइप के पेपर पड़े हुए हैं, इसके अलावा आपकी नोट्स पड़े हुए हैं, आप देखिएगा पूरे सेल बायोलॉजी के तो मुझे लगता है नोट्स पड़े हुए हैं, उसको देखिएगा, टूल एंड टेक्निक्स के पड़े हैं, एम्ब्रियोलॉजी के नोट्स पड़े हैं, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म के नोट्स पड़े हैं, टेरिडोफाइट के नोट्स पड़े हैं, तो बहुत कुछ है, आप पढ़ेंगे तो सब यहीं से आना है। तो इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।